हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास इलेवेंथ। क्लास इलेवेंथ के हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर फिफ्थ के मिसलेनियस के क्वेश्चन 1 to 10 हमने कर लिए। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन हमारे पास क्या है। इफ़ ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा स्क्वेयर अपॉन 2x² + 1 प्रूव दैट। हमें प्रूव करना है ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर और 2x + 1 का होल स्केयर। इसके इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे? ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का स्केयर अपॉन 2x² + 1। ये आपके पास गिवन है। अब इसका स्केयर ओपन करेंगे, क्या आएगा? एक्स स्केयर, ए प्लस बी का होल स्केयर ओपन कर दिया, एक्स स्केयर प्लस आयोटा स्केयर प्लस 2x² अपॉन एज इट इज रहेगा 2x² + 1। अब यहाँ एक्स स्केयर और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्केयर -1 + 2x². अब नीचे आया a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू, इसको अगर हम अलग अलग करेंगे कि रियल को रियल से और इमेजनरी को इमेजनरी, तो हमने क्या किया, एक्स स्केयर माइनस वन हमारे पास क्या है? रियल पार्ट है, तो इसको हमने अलग कर लिया, एक्स स्केयर माइनस वन अपॉन 2x² + 1 प्लस दूसरा हमारे पास इमेजनरी पार्ट क्या आ जाएगा, 2x / 2x² + 1 आयोटा। ये हमारे पास जिसके साथ आयोटा वो इमेजनरी है और जिसके साथ है आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है। ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, कंपेयर करेंगे रियल और इमेजनरी पार्ट को। ए इज इक्वल टू रियल को कंपेयर करेंगे इमेजनरी को इमेजनरी से। रियल हमारे पास ए है, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस वन बाई 2x² + 1 एंड बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 2x / 2x² + 1। अब गिवन में हमारे पास इसमें क्या दे रखा है प्रूव करने के लिए, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब इसका करेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्केयर माइनस वन बाई 2x² + 1 और पूरे का हमने क्या कर दिया, होल स्केयर प्लस, क्योंकि ए का स्केयर था। फिर है बी का स्केयर, बी की वैल्यू क्या है, 2x / 2x² + 1 और पूरे का हमने क्या कर दिया, होल स्केयर इज इक्वल टू, इसको हम जब करेंगे तो यहाँ भी 2x² + 1 का स्केयर, यहाँ भी 2x² + 1 का होल स्केयर, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, 2x² + 1 का होल स्केयर। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास इसका ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x² - 1 का होल स्केयर प्लस यहाँ क्या आएगा, 2x का होल स्केयर। इसका स्केयर ओपन करेंगे ए माइनस बी का होल स्केयर का क्या आ जाएगा, ए स्केयर मीन्स एक्स की पावर 4 हो जाएगी और माइनस की जगह क्या आ जाएगा, +1 - 2x² प्लस इसका ओपन करेंगे क्या आएगा, 2 × 2 = 4x². अब हमने इसको सॉल्व किया, क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 4 में से 2 जाएगा 2x² / 2x² + 1 का होल स्केयर। इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x² + 1 का होल स्केयर लिख सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा x² + 1 का होल स्केयर और नीचे क्या है, 2x² + 1 का होल स्केयर। अब हम इसको क्या लिख देंगे, स्केयर प्लस बी, और दोनों का अलग अलग स्केयर है तो उसको पूरे का होल स्केयर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। लेट z1 = 2 - iota, z2 = -2 + iota। फाइंड रियल, आर ई मीन्स होता है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट। ये हमें फाइंड करना है। देखो z1 हमारे पास क्या है, 2 - iota एंड z2 हमारे पास क्या है, -2 + iota। अब z1 × z2 करेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, z1 × z2, z1 हमारे पास क्या है, 2 - iota इंटू z2 हमारे पास है -2 + iota, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 = -4, 2 की और आयोटा की +2 iota और -2 iota और -+iota स्केयर। अब z1 × z2 = यहाँ से हमारे पास -iota स्केयर है, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1, -+ हो जाएगा, -4 है +1 है, क्या आएगा, -3 प्लस 2 + 2 = 4 iota एंड z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो हमारे पास इमेजरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2 + iota। अब हमें क्या करना है, z1 × z2 अपॉन z1 का कॉन्जुगेट, z1 × z2 क्या आएगा, z1 × z2 है -3 + 4 iota डिवाइडेड बाई z1 का कॉन्जुगेट 2 + iota। ये आ गया हमारे पास, हमें क्या निकालना है, इसका रियल पार्ट। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास आयोटा डिवाइड में है, अगर डिवाइड में आयोटा है तो उसको हम रैशनलाइजेशन करके पहले सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे 2 प्लस आयोटा है तो हमने क्या कर दिया, 2 माइनस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, इज इक्वल टू इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, माइनस 3 टू जा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, 4 टू जा प्लस 8 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 2 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर, ऊपर से हमारे पास क्या आएगा, माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 6 8 प्लस 3 11 आयोटा। अब यहाँ आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस 1 होती है और माइनस 1 और माइनस 4 क्या आ जाएगा, प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर 4 आ जाएगा और आयोटा की स्केयर की वैल्यू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगी। यहाँ आएगा माइनस 2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 5। अब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 बाई 5 प्लस 11 बाई 5 आयोटा। कंपेयर करेंगे हमें क्या निकालना है, इसका रियल पार्ट, तो इसमें से अगर हम कंपेयर करेंगे रियल पार्ट क्या है, माइनस 2 बाई 5, यही हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाई जेड इन 1 इंटू जेड 1 कॉन्जुगेट। अब पहले क्या निकालेंगे, 1 बाई जेड 1 और जेड 1 के कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई निकालना, 1 बाई जेड 1 है 2 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट कर देंगे, साइन चेंज कर दिया, 2 प्लस आयोटा। 1 बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 2 का स्केयर माइनस आयोटा स्केयर इज इक्वल टू 1 बाई 4, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, आयोटा स्केयर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगी, 1 बाई 5। ऑन कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट, अब यहाँ हमारे पास क्या है, ओनली रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 0 आयोटा। तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट निकाला, तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें फाइंड करना है मॉडुलस और आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एंड आर्गूमेंट फाइंड करेंगे। जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा। एंड अब देखो ये हमारे पास एक नंबर दे रखा, अगर इसकी डिवाइड में हमारे पास आयोटा है तो हम उसको ख़त्म करने के लिए उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा। इसी से माइनस है तो प्लस कर लिया, यहाँ 1 प्लस 3 आयोटा इंटू बाई 1 प्लस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1, 1 3 जा प्लस 3 आयोटा, 2 1 जा प्लस 2 आयोटा, प्लस 3 2 जा 6 आयोटा स्केयर अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर 1 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का होल स्केयर। अब यहाँ देखो 1 आ जाएगा एज इट इज़, 1 प्लस 3 प्लस 2 5 आयोटा, माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस 1 होती है, 6 स्केयर माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 6 आ जाएगा अपॉन 1 और 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, आयोटा स्केयर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 10, ऊपर से अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 5 बाई 10 प्लस 5 बाई 10 आयोटा। इसको हम कैंसिल कर देंगे, माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 आयोटा, ये हमारे पास आया z। अब z के बाद हमें क्या निकालना, मॉडुलस एंड आर्गूमेंट। मॉडुलस और आर्गूमेंट के लिए हम क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा से कंपेयर करेंगे। आर कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 1 बाई 2, एंड आर साइन थीटा 1 बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन होता था, ऑन स्केयरिंग एंड एडिंग, हमने दोनों का स्केयर करके ऐड कर लिया, स्केयर करने के बाद क्या आ जाएगा, आर स्केयर दोनों में से कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, अंदर कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 का स्केयर प्लस 1 बाई 2 का होल स्केयर। आर स्केयर को बाहर ले लेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 का होल स्केयर 1 बाई 4 प्लस ये भी क्या आ जाएगा 1 बाई 4, 1 बाई 4 1 बाई 4 को ऐड कर देंगे क्या आएगा 1 बाई 2। आर इज इक्वल टू इधर स्केयर था इधर लेके आए रूट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 बाई रूट 2। अब 1 बाई रूट 2 कोस थीटा किसके इक्वल है, माइनस 1 बाई 2। आर कोस थीटा में हमने आर की वैल्यू पुट कर दी, आर साइन थीटा में हमने आर की वैल्यू पुट कर दी और इज इक्वल टू में दे ही रखा है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस ये हमारे पास 1 बाई 2 था ये रूट 2, अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई 2 इंटू रूट 2 बाई 1, इस रूट 2 से कैंसिल कर दिया, माइनस 1 बाई रूट 2 आ जाएगा। इसी तरह इधर क्या आ जाएगा, 1 बाई रूट 2। अब हमें क्या देखना है, कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या लिख देंगे, थीटा लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो पाई में से माइनस कर देंगे हम, ये हमारे पास पाई होता है, पाई में से माइनस कर देंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम,
तो क्या कर दिया, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू फोर वन जा फोर, फोर में से वन जाएगा थ्री, थ्री पाई बाई फोर। मॉडुलस हमारे पास क्या आया, वन बाई रूट टू। एंड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट हमारे पास क्या आया, थ्री पाई बाई फोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आयोटा y इंटू थ्री प्लस फाइव आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ माइनस सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर आयोटा। हमें ये नंबर दे रखे हैं और ये बोल रखा है कि इन नंबर्स का जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल है, माइनस सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर आयोटा के इक्वल है। देखो z इज इक्वल टू दे रखा है x माइनस आयोटा वाई इंटू थ्री प्लस फाइव आयोटा, मल्टीप्लाई कर लेंगे x की और 3 की 3x और इनके मल्टीप्लाई 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा प्लस माइनस माइनस 5y आयोटा स्केयर। z इज इक्वल टू 3x, अब आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 5y प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया हमने, क्या आ जाएगा 5x माइनस 3y। जेड कॉन्जुगेट, अब इसका कॉन्जुगेट करेंगे क्या आएगा, 3x प्लस 5y, अब यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा 5x माइनस 3y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी हमारी जेड कॉन्जुगेट। जेड कॉन्जुगेट हमें गिवन क्या है, माइनस 6 माइनस 24 आयोटा, ये हमारे पास है माइनस 6 माइनस 24 आयोटा, इट मीन्स दोनों को इक्वल रख देंगे। एक जेड कॉन्जुगेट हमने फाइंड किया है, एक कॉन्जुगेट उन्होंने दे रखा है, तो दोनों को इक्वल रखेंगे हम, दोनों को इक्वल रखा फिर इक्वेट कर देंगे रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। रियल पार्ट को करेंगे क्या आएगा, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 6 और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें कोई भी इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 5। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 3 6 जा माइनस 18। सेकेंड को 5 से कर देंगे, 5 5 जा 25x माइनस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 5 की और 24 के मल्टीप्लाई 120। अब ये प्लस है ये माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 25 34x इज इक्वल टू 120 में से 18 को माइनस कर दिया 102, x इज इक्वल टू 102 इधर लेके आएंगे बाय 34, 34 से कैंसिल हो जाएगा 3, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, 3x, x की वैल्यू 3 हो गई प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, 3 3 जा 9 प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, 5y इज इक्वल टू माइनस 6 इधर लेके आएंगे माइनस 9, y इज माइनस 6 माइनस 9 क्या आ जाएगा माइनस 15, फिर 5 को इसके डिवाइड में लेके आएंगे तो 5 3 जा 15, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस 3, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू माइनस 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा। सबसे पहले हमें मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम लिया हमने, क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा एलसीएम आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्केयर, बीच में माइनस और इनकी मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा का होल स्केयर। स्केयर ओपन कर देंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, 1 का स्केयर 1 प्लस आयोटा स्केयर प्लस 2 आयोटा माइनस, बीच में माइनस है तो सभी के साइन चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, आयोटा स्केयर प्लस आयोटा स्केयर और माइनस 2 आयोटा, बट आगे माइनस है तो इसलिए सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, आयोटा स्केयर से आयोटा स्केयर कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा क्या आ जाएगा 4 आयोटा और नीचे हमारे पास a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्केयर माइनस b स्केयर, 1 का स्केयर आ जाएगा 1, आयोटा स्केयर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ऊपर हमारे पास 4 आयोटा बाई 2, 2 से कैंसिल कर देंगे 2 आयोटा। अब जेड का कॉन्जुगेट निकालना है, कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम क्या करते थे, रियल अगर हमारे पास सेम सिंपल करते तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास इसका कोफिशियंट क्या है, 0, 0 का स्केयर प्लस इसका कोफिशियंट 2, 2 का स्केयर, 0 का स्केयर 0 हो जाएगा, 2 का स्केयर 4, रूट 4 और 4 का रूट क्या आ जाएगा 2, तो हमारे पास मॉडुलस क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ x प्लस आयोटा वाई होल पावर क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी देन शो दैट यू बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर।
एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। इसका होल क्यूब ओपन करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस ए बी, एक्स क्यूब प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू हमें यू प्लस आयोटा वी दे रखा है। अब इसको सोल्व करेंगे, एक्स क्यूब आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई क्यूब आयोटा, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री एक्स स्क्र वाई आयोटा प्लस थ्री एक्स वाई स्क्र आयोटा स्क्र। अब यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस इसका होल आयोटा स्क्र है, आयोटा स्क्र की वैल्यू माइनस वन होती है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस थ्री एक्स वाई स्क्र, प्लस दोनों में से आयोटा को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा थ्री एक्स स्क्र वाई माइनस वाई क्यूब, दोनों में से आयोटा आ गया। अब ये देखते हैं रियल पार्ट को रियल से कर लेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी से कंपेयर, रियल पार्ट को रियल से कर देंगे, यू इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्र और वी इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्र वाई माइनस वाई क्यूब। अब हमें क्या दे रखा है यू बाई एक्स प्लस वी बाई वाई, यू बाई एक्स, यू हमारे पास क्या आया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्र बाई एक्स प्लस वी, वी है हमारे पास थ्री एक्स स्क्र वाई माइनस वाई क्यूब बाई वाई, ऊपर से कॉमन आ जाएगा एक्स, अंदर बचेगा एक्स स्क्र माइनस थ्री वाई स्क्र बाई एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्र वाई, इसमें दोनों में से वाई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा थ्री एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और नीचे है वाई, वाई से वाई कैंसिल, इधर एक्स से एक्स कैंसिल, ये आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस थ्री वाई स्क्र प्लस थ्री एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक्स स्क्र और थ्री एक्स स्क्र क्या आ जाएगा फोर एक्स स्क्र माइनस थ्री वाई स्क्र माइनस वाई स्क्र, फोर वाई स्क्र दोनों में से फोर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और ये हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 17। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे एंड बीटा मॉडुलस इज इक्वल टू वन, देन फाइंड बीटा माइनस अल्फा बाय वन माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का मोड। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो अल्फा इज इक्वल टू हमने मान लिया दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो हमने मान लिया अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। फिर हमें बीटा, जो हमारे पास बीटा है उसका हमें मॉडुलस दे रखा है वन, अगर बीटा का मॉडुलस निकालते हैं यहाँ से तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का रूट किसके इक्वल दे रखा है वन के। अब इसको इधर लेके आएंगे तो स्क्र को इधर लेके आएंगे, रूट को स्क्र हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और वन का स्क्र भी क्या आएगा वन, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गए जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। फिर हमें फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फा बाई वन माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा मोड, बीटा की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई ब्रैकेट माइनस अल्फा ए प्लस आयोटा बी अपॉन वन माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, अल्फा कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसको सोल्व करेंगे इज इक्वल टू रियल पार्ट को रियल के साथ लेके चलेंगे, क्या आएगा एक्स माइनस ए प्लस दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा वाई माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, यहाँ से हमने इसको ओपन किया क्या आ जाएगा वन माइनस, इसको ब्रैकेट को क्लोज ओपन करेंगे तो क्या आएगा ए एक्स प्लस ए वाई आयोटा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बी एक्स आयोटा माइनस प्लस माइनस आ जाएगा बी वाई आयोटा स्क्र, आयोटा स्क्र की वैल्यू माइनस वन होती है इसलिए माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और फिर पूरे का मोड इज इक्वल टू एक्स माइनस ए प्लस आयोटा वाई माइनस बी। अब नीचे हमने इसको अलग अलग किया तो क्या आ जाएगा वन माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस, अब ये जो हमारे पास टर्म है ये आयोटा की, इनमें से आयोटा कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई, क्योंकि माइनस बाहर है तो माइनस करेंगे तो हम ये साइन चेंज हो जाएंगे इसलिए हमने क्या लिखा प्लस आयोटा बी एक्स माइनस ए वाई, एक्स माइनस ए प्लस आयोटा वाई माइनस बी मोड, अलग अलग कर देंगे हम इनका मोड। और नीचे हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास दीर्घ है, इसका जब हम मोड ओपन करेंगे नीचे वाले का तो हमारे पास मोड क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस है इसका स्क्वायर, क्योंकि मोड में हमारे पास जो भी कोफिशियंट होता है उनका स्क्वायर करते हैं हम, तो ये आ जाएगा वन माइनस ए एक्स माइनस बी वाई के होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर और पूरे का रूट इज इक्वल टू, अब ऊपर वाले को ओपन करेंगे वो भी ऐसे ही होगा स्केयर रूट ऑफ एक्स माइनस ए का स्केयर प्लस वाई माइनस बी का स्केयर अपॉन एज इट इज लिख लिया हमने।
इसको सोल्व करेंगे, ऊपर क्या है रूट ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस टू ए एक्स, प्लस इसको ओपन करेंगे वाई स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू बी वाई अपॉन, इसको भी सोल्व करेंगे ऐसे ए माइनस बी माइनस सी का होल स्केयर, ए स्केयर आ जाएगा वन, फिर इसका स्केयर कर देंगे प्लस ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू ए सी माइनस टू ए एक्स आ जाएगा प्लस टू ए बी एक्स वाई माइनस टू बी वाई आ जाएगा, फिर इसका स्केयर ओपन करेंगे बी स्केयर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर वाई स्केयर माइनस टू ए बी एक्स वाई, अब ये माइनस है ये प्लस है ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ जाएगा हमारे पास है, अगर हम इसको ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर को अलग लिख लिया प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ जाएगा और माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी वाई, ऊपर हमारे पास जो टर्म बचे उनको अलग अलग कर लिया, उसके बाद हमारे पास क्या है इसमें एज इट इज़ रूट रहेगा हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे नीचे वाले को करेंगे तो ये कैंसिल हो गया अलग अलग लिया वन प्लस, अब ए एक्स स्केयर और ए स्केयर वाई स्केयर दोनों में से ए स्केयर कॉमन ले लिया क्या बचेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, दूसरा बी वाई स्केयर बी एक्स स्केयर दोनों में से बी स्केयर कॉमन ले लिया वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर आ जाएगा और माइनस क्या बच गया टू ए एक्स माइनस टू बी वाई, ऊपर से देखो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या थी वन, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वन प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी वाई अपॉन, डिवाइड में कर दिया अब हमने वन प्लस ए स्केयर और इसकी वैल्यू क्या हो गई वन हो गई प्लस बी स्केयर इसकी वैल्यू वन हो गई माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी वाई, दोनों हमारे पास सेम है तो दोनों से कैंसिल हो जाएगी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा वन, ये हमें फाइंड कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आयोटा मोड एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स, अब देखो 1 माइनस आयोटा का मोड दे रखा है और उसकी पावर दे रखी है आपको एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स, इसका अगर हम पहले मोड ओपन करेंगे तो क्या आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर वन स्केयर प्लस माइनस आई वन का स्केयर, क्योंकि यहाँ पे कोफिशेंट माइनस वन है तो माइनस वन का होल स्केयर और पूरे की पावर है एक्स इज इक्वल टू इधर है हमारे पास टू की पावर एक्स, वन का स्केयर वन प्लस वन पूरे की पावर एक्स, इसको हम क्या लिख देंगे वन प्लस वन टू, टू की पावर कितनी है वन बाई टू और उस पूरे की पावर है एक्स इज इक्वल टू टू की पावर एक्स, इसको हम क्या लिख देंगे पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी टू की पावर एक्स बाई टू इज इक्वल टू टू की पावर एक्स, अब दोनों का हमारे पास बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगी, इक्वल लिखेंगे एक्स बाई टू इज इक्वल टू एक्स, सोल्व करेंगे x इज इक्वल टू टू को अपोजिट साइड लेके गए तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू टू एक्स और इसको भी इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा टू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स में से x माइनस कर देंगे x इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज द ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन, जीरो इसका क्या है एक इंटीग्रल सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन का देयरफॉर द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज जीरो, तो हमें क्या बताना था कि नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन के नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या है जीरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इफ ए प्लस आयोटा बी ब्रैकेट सी प्लस आयोटा डी ब्रैकेट ए प्लस आयोटा एफ इन टू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, देन शो दैट ए स्केयर प्लस बी स्केयर इन टू सी स्केयर प्लस डी स्केयर इन टू ई स्केयर प्लस एफ स्केयर इन टू जी स्केयर प्लस एच स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ओपन करेंगे हम इसको, ये हमें दे रखा है ऐसे एज इट इज़ लिखेंगे, फिर हमने क्या किया टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड हमने मॉडुलस कर दिया, मॉडुलस कर दिया तो पूरे का मॉडुलस हो जाएगा इधर और इधर भी a प्लस आयोटा b पूरे का मॉडुलस हो जाएगा, बट जब हमारे पास मल्टीप्लाई में होता है तो प्रॉपर्टी है मॉडुलस की कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर है जिनका मॉडुलस करना है तो हम क्या करते हैं प्रॉपर्टी कि दोनों का अलग अलग हमें मॉडुलस निकाल देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा सभी का अलग अलग कर देंगे a प्लस आयोटा b का मॉडुलस इंटू सी प्लस आयोटा d मॉडुलस इंटू ई प्लस आयोटा f मॉडुलस इंटू g प्लस आयोटा h मॉडुलस इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का मॉडुलस, इसका मॉडुलस करेंगे तो क्या आएगा कोफिशियंट का स्केयर का रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर का रूट इंटू सी स्केयर प्लस डी स्केयर का रूट इंटू ई स्केयर प्लस एफ स्केयर रूट,
इंटू जी स्केयर प्लस एच स्केयर रूट इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर का रूट। ऑन स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्केयर कर देंगे, स्केयर कर देंगे अगर दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, स्केयर से रूट सभी का कैंसिल हो जाएगा ऐसे, और इज इक्वल टू में क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू सी स्केयर प्लस डी स्केयर इंटू ई स्केयर प्लस एफ स्केयर इंटू जी स्केयर प्लस एच स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, जो कि हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, इफ 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा होल पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, देखो 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1, अब बाई में आयोटा है तो रैशनलाइजेशन कर देंगे, 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा पावर m इज इक्वल टू 1, इसको करेंगे a प्लस आयोटा का स्केयर और नीचे क्या आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर की पावर m इज इक्वल टू 1। स्केयर ओपन करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, 1 प्लस आयोटा स्केयर प्लस 2 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 1 आयोटा स्केयर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा पूरे की पावर m इज इक्वल टू 1। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आयोटा बाई 2 पूरे की पावर m। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि दोनों का बेस सेम करना है, तो इट मीन्स हमें ये देखना है कि 1 वैल्यू कब होती है आयोटा की, जब आयोटा की पावर 4 होगी तो हम इसको क्या लिख देंगे, आयोटा m इज इक्वल टू, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4। तो m, अब दोनों का बेस सेम हो गया तो बाई कंपेयर m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। ये थी हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज, चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया आपका। ओके, थैंक यू।